नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पंजाब पुलिस की भर्ती को लेकर नाभा में दो जगहों पर बनाए गए थे सेंटर। दूरी अधिक होने के चलते कम संख्या में पहुंचे विद्यार्थी। सचखंड श्री दरबार साहिब में इजराइल के राजदूत परिवार सहित हुए नतमस्तक। सूचना केंद्र में किया गया सम्मानित। मेहंदी रत्ता परिवार की ओर से छात्रवृत्ति समारोह का किया गया आयोजन। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। और अब हलचल विस्तार से। सरकार की बेरुखी के चलते नौजवान पीढ़ी लगातार विदेशों का रुख कर रही है। गत दिनों राज्य सरकार द्वारा पंजाब पुलिस में भर्ती होने वाले चाहवान उम्मीदवारों को बड़ी खुशखबरी देते हुए पुलिस विभाग में नई भर्तियां करने का ऐलान किया गया था, जिसके चलते पुलिस विभाग में कांस्टेबल की 1156 असामियों के लिए परीक्षा 14 अक्टूबर, हेड कांस्टेबल की 787 असामियों की परीक्षा 15 अक्टूबर और सब इंस्पेक्टर की 560 असामियों के लिए परीक्षा 16 अक्टूबर को तय की गई थी। इन असामियों के पेपरों के लिए नाभा के सरकारी रिपु नमन कॉलेज और सरकारी मॉडल स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं परीक्षा केंद्र दूर होने के कारण विद्यार्थी बहुत ही कम संख्या में पेपर देने पहुंचे। इस मौके पर पेपर देने आए विद्यार्थियों ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा सेंटरों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सेंटर दूर होने के कारण विद्यार्थी परीक्षा देने कम आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अधिक खर्चा कर दूसरे जिलों में पेपर देने आना पड़ रहा है, जिस कारण उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर परीक्षा केंद्र में तैनात DSP राजेश छिब्बर ने कहा कि उनकी ओर से सेंटर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी तरह की चीज अंदर नहीं लेकर जाने दी गई। पेपर देने आए विद्यार्थियों को पेन भी अंदर से ही दिए गए और यहाँ पर जैमर भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके सेंटर में कुल 432 विद्यार्थियों ने परीक्षा देनी थी, लेकिन उनमें से 134 विद्यार्थी ही पेपर देने पहुंचे हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। बहुत बढ़िया प्रबंध किए गए नहीं सी अपने पंजाब सरकार वालों। बड़े अच्छे प्रबंध है जी, पूरी सख्ती हैगी है और बाकी कोविड की प्रोटोकॉल्स पूरा जो ध्यान रखा जा रहा है जी। सिर्फ एक मुश्किल जरूर आई है कैंडिडेट्स नू, ये है कि जो सेंटर ने बहुत दूर बनाए गए हैं। जिस तरह कि मैं पठानकोट तो आया, नाभा सेंटर बनाया गया लगभग कल शाम को चले सके तो अज सवेरे पहुँचे और कल वापस अं पहुँचना। ये जरूर एक मतलब मुश्किल हर एक नौजवान आई है, ये सेंटर ने बहुत ज़्यादा दूर बनाए। और असं चाहते हैं भी पंजाब का जो यूथ है वो लगातार असं देख रहे हैं कि बाहर पासे रुख कर रहे हैं, विदेशों से रुख कर रहे हैं। वो यही कारण है कि रोज़गार की कमी, अगर रोज़गार पंजाब दे विच मिल जाए तो बाहर जाने की जी किसी भी नौजवान जो लोड़ नहीं पेगी। पूरी सिक्योरिटी के होर एडमिनिस्ट्रेशन TCS के सारा दे कैमरिंग वगैरह जैमर वगैरह सारा ऑल बहुत वधिया सारे अरेंजमेंट सारे समान कुछ भी नहीं जा सकते जी। जिहड़ा हैगा ईवन के जिहड़ा हैगा पेन भी अंदरों दिंदे ने। सिखों की आस्था के केंद्र सचखंड श्री दरबार साहिब में भारत में इजराइल के राजदूत नूर गिलोनी ने अपने परिवार सहित माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। नतमस्तक होने के पश्चात उन्होंने सचखंड श्री दरबार साहिब में सरबत के भले की अरदास करवाई और गुरुवाणी के कीर्तन का श्रवण भी किया, जिसके बाद उनकी ओर से लंगर हाल का दौरा भी किया गया। इसके पश्चात सूचना कार्यालय में उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए इजराइल के राजदूत ने कहा कि वह पहली बार सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने नहीं आए हैं, इससे पहले भी वे यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि सचखंड श्री दरबार साहिब के चारों दरवाजे चारों धर्मों के लिए खुले हैं और यहाँ पर उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि वे अरदास करते हैं कि आने वाले समय में हम सब एकजुट होकर मिलजुल कर चलें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। I'm visiting a Sikh temple since I'm here. It's always very spiritual, but here in the Gondan temple, it's even more so. It's very special as a strong center for the Sikhs, but not only for the Sikhs, I think for humankind, for people. A spiritual place, a place of peace, a place of brotherhood, of people helping each other. And I hope that this place will be inspiration for everyone, for every religions and every people, for peace and brotherhood and coexist.
मुश्किलों के दौर में वरदान बनकर समाज की सेवा में योगदान देने वाले मेहंदीरत्ता परिवार के ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रमोद मेहंदीरत्ता ने विदेश में रहकर पिछले 6 वर्षों से जरूरतमंद परिवारों के बच्चों का भविष्य खराब ना हो उनके लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की थी। इसी कड़ी के चलते बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की श्रृंखला के तहत चल रहे छात्रवृत्ति समारोह का विशाल आयोजन मेहंदीरत्ता परिवार की ओर से दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज की अध्यक्षता में ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रमोद मेहंदीरत्ता की देखरेख में लाला हरबंस लाल फॉर्म नजदीक नाहला पुल नाहला रोड बस्ती दानिशमंदा में किया गया। स्वर्गीय लाला हरबंस लाल मेहंदीरत्ता व माता शांति देवी मेहंदीरत्ता की याद को समर्पित इस करवाए गए विशाल छात्रवृत्ति समारोह में मुख्य अतिथि दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच, विधायक रमन अरोड़ा, विधायक शीतल अंगुराल, आप नेता राजन अंगुराल, पूर्व विधायक सुशील रिंकू, मेंबर एससी कमीशनर राजकुमार हंस, सीनियर भाजपा नेता मोहिंदर भगत, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत सिंह भाटिया, युवा भाजपा नेता रोबिन सांपला, उद्योगपति तिलक राज खिंदर, ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रमोद मेहंदीरत्ता के भाई रविंदर कुमार मेहंदीरत्ता, समाज सेवक राकेश कश्यप, समाज सेवक वेद कुमार, राजिंदर कुमार मंगी, मोहित अरोरा, प्रेरणा अनमोल निखिल ने शिरकत कर अपने कर कमलों से मैट्रिक और हायर सेकेंडरी पास करने वाली लगभग 720 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की। समारोह में सभी आए हुए गणमान्यों का स्वागत रविंदर कुमार मेहंदीरत्ता, समाज सेवक राकेश कश्यप, मोहित अरोड़ा, प्रेरणा अनमोल निखिल की ओर से किया गया। समारोह में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मेहंदीरत्ता परिवार को बधाई दी और खासकर ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रमोद मेहंदीरत्ता व उनके भाई रविंदर कुमार मेहंदीरत्ता के इन कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से ही बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सुरक्षा और सम्मान देना होगा। जैसे मेहंदीरत्ता परिवार इनके मान सम्मान और पढ़ाई के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर आरएसएस से डॉक्टर सतीश शर्मा, सुमेश लुथरा, बलदेव राज चौहान, शालू जरेवाल, मदन जालंधरी, पवन हंस, मदन लाल, अजय यादव, कुणाल अरोड़ा, गुलजारी लाल, प्रताप सरंगल, पंकज सरपाल, जसवंत गाखल, यशपाल पवार, महेंद्र सिंह, राजीव लुद्रा, सुरेश लुद्रा, सतपाल पप्पू सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग शामिल रहे। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।
इस नेक काम वास्ते बच्चों की पढ़ाई वास्ते ये काम करते रहते हैं अपनी दिल की गहराइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना। मैं थोड़े ही दिन पहला दो दिन तीन पहला भोपाल के गया चार हज़ार बच्चों का एक मोटिवेशनल एंटरप्रेन्योर वास्ते असं काम किया। ये सेंटर गवर्नमेंट का हैगा और स्टेट गवर्नमेंट का भी हैगा। मैं शीतल अग्रवाल और रमन अरोड़ा साहब को ध्यान लेना चाहना कि अज असी काम करांगे ये जिहड़ी साड़ा फ्यूचर है जो बच्चे ने अगर उन्होंने एजुकेशन वास्ते और उन्होंने आने वाले जिहड़े कि लाइफ के सैटल होना चाहते हैं जे रोज़गार के तौर पर या बिजनेस के तौर पर छोटा भी काम करके अपनी जीविका कमा के अपने आप को जीवन में एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। मैं देख के एक मन को बड़ा सुकून मिल रहा है कि जरा समाज अक्सर कहता है कि असं बेटिया के नाल विदकरा करने हैं असं बेटिया नालों ज़्यादा प्यार करने हैं। अज ये परिवार ने और समाज ने दस दिता है कि दुनिया के अगर सब तो सत्कारयोग पूजनीय कोई है तो कन्या है कन्या देवी हैं और जो भी इंसान की सेवा करता है इन्होंने भविष्य की चिंता करता है उसको समाज यश मिलना तय है। कुड़ियां पैदा नहीं होंदिया बेटियां पैदा नहीं होंदिया ख्याल रखियो जो परमात्मा बहुत खुश होंदा उस परिवार से उस घर के बेटी भेजता इस करके सानू फकर है सानू मान है कि साडे घर दे विच भी बेटियां हैं और असी इंसानियत की गल करे सी जो मेहंदी पत्ता परिवार है इन्हां दे विच जो इंसानियत ही है पिछलियां सरकारां भी आईयां उन्होंने भी बहुत बहुत वादे किए भी असी ये करांगे बच्चियां नूं असी ओह करांगे बच्चियां नूं फ्री पढ़ाई देंगे। पर आम आदमी पार्टी जिन्हों का पहला विजन यही है अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा इंसान की गल कर रहे कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे उसे इंसान कहते हैं। भौजी अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं वो दानव हैं वो मानव चोल का अपमान करते हैं पतित जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसका मतलब है जो इंसान मनिया में को बहुत पैसा है सारी दुनिया को बहुत पैसा है बड़े लोगों को बहुत पैसा है जो अच्छा इंसान अच्छा दिल वाला इंसान है मैं मेहंदी दत्ता परिवार को बहुत बहुत बधाई देना जिन्होंने अपनी नेक कमाई के विचों धिया कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप के उत्ते दिता है। जिस इंसान ने तुहानू सारिया सानू सारिया इकट्ठा किया है मैं उस इंसान का धन्यवाद करता अपने वीर प्रमोद कुमार अष्टियत जो बैठे है उन्होंने वे भाई मेरे बहुत ही सत्कारयोग रविंद्र कुमार मेहंदी रत्ता दे मैं परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता कि जिन्होंने अपने बच्चों ऐसी शिक्षा दी अज समाज के सू विचरण के लिए अज जो राजनीति की पार्टियां तो जो आगू घर आए हैं समाजिक लोग आए हैं जो अज इस मंच से बैठे है मेरे पिता तुल्य अगर अज मैं इस लायक हो अगर अज मैं खड़े होकर तुहाडे सामने बोल रहे हैं और इंसान का बहुत बड़ा योगदान है जिस इंसान ने मैनू इस जगह पर पहुंचाया मैनू अज बोलन लायक बनाया मेरे पिता तुल्य बहू शीतल बीर जी का मैं धन्यवाद करता क्योंकि मैनू इस हल्के की जिम्मेवारी देने उन्हों का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान दो तरीके का है मैं फाइनैंशली कहना स्ट्रोंग नहीं सी ते मैं
इलेक्शन लड़न के काबल भी नहीं सी, पर मैनू इन्होंने चुनिया, मेरी सिर के उत्ते हाथ रखिया, मेरे परिवार के उत्ते, ते अज मैं समाज दे ते तुहाडी जिहड़ी सेवा करन दे लायक होया। ते जे मैं कुछ भी कर रहा हां ओहदे पिछे बॉबी दा बहुत वड्डा योगदान है कि साडियां जिहड़ियां बेटियां इत्थे बैठियां, यह कोई स्कॉलरशिप दियां नहीं जरूरत भुखियां गईयां, इन्हां दे मां बाप इस पैसे दे नहीं है कि जो अज मेहंदी रत्ता परिवार नूं दे रहा है, इन्हां दी हिम्मत, इन्हां दा जज्बा कि अज समाज दे विच लोगों नूं मिसाल पैदा होवे कि जे मेहंदी रत्ता परिवार इन्हां धीआं दी सेवा कर सकदा है, ते असीं लोग वड्डियां वड्डियां कुर्सियां ते बैठ के गए, वड्डियां वड्डियां इंडस्ट्री दे मालक है, असीं रोजगार दे तौर दे उत्ते किसे नूं दुखी वध नहीं दिंदे, अपने काम तो वधियो सौ रुपया नहीं देंगे, पर अज मेहनती रत्ता परिवार करोड़ा रुपया अज साडे समाज दे विच जलंधर दे आस पास जिहड़े नौ लगे है अपनी मेहनत दी कमाई दे विचों अज इन्हां बच्चों का हौसला वधा रहे हैं। इलाके के मेरे छोटे भी शीतल अमराल जी और बहुत ही सत्कार योग सेंट्रल हल्के के मेरे छोटे भी एम एल ए रमन अरोड़ा जी और साढ़े मेहंदी दत्ता परिवार के सारे मैंबर और शीतल अमराल जी के बड़े भाई साहब राजन जी, साढ़े बिंदर भगत जी, केंद्र साहब, अंश साहब और एक्स सीनियर डिप्टी मेयर साढ़े पाटिया जी नंदन भगत जी और साढ़े सुमेश जी आर एस एस तो, रॉबिन सांपला जी, प्रदीप जी आर एस एस तो, होर भी सारे भी जिन्हों का मैं नाम नहीं लै सकिया, राकेश कश्यप जी, ये बहुत वड्डा उपराला है। शीतल जी ने बोलन, मैं की बोलना, जो शीतल जी और रमन जी सारे ने मेहंदी दत्ता परिवार बारे और ये जड़े स्कॉलरशिप के उपराले बारे बोल चुके ने, और मेहंदी दत्ता परिवार और उन्होंने भाई साहब जो ऑस्ट्रेलिया के प्रमोद जी, ये उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है इस मेहंदी दत्ता परिवार का, उस तो भी बड़ा साढ़े भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि फिजिकल मेहनत घर घर जाके मैं देखता रहा उन्होंने कई साल सारिया बच्चियों डिजर्विंग कैंडीडेट्स लभना, ये भी बहुत बड़ा काम है, छोटी गल नहीं है। रविंदर जी उन्होंने बेटा दिन रात यही सेवा कर दिया, पहला लभदे ने फिर उन्होंने लैके आते हैं, फिर उन्होंने दिल फुल जो भी उन्होंने सेवा करते हैं, ये छोटा उपराला नहीं बहुत बड़ा उपराला, दोनों तरफा का एक भरा उतों हेल्प कर रहा है, ये परिवार इतने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 800 बच्चे अज तक स्कॉलरशिप दे चुके, दो तीन बारी पहला भी मैं आने का मौका मिले, तो मैं परमात्मा के अरदास करना इन्होंने परिवार को चढ़ती कला च रखी, इन्हों सिर पर मेहर भरिया रखी और इन्हों शक्ति नहीं इस तरह सेवा कर दी, और तुम बड़े भागा लो थोड़े इलाके का जो एम एल ए है ये बड़ा बहुत परमठ तुम चुने, मैं इन्होंने भी परमात्मा की अरदास करना है, इन्होंने भी चढ़ती कला च रखी, इन्होंने ब्रदर दोनों उम्मीद न बड़ा सहयोग कर रहे हैं दिन रात, क्योंकि यहाँ चंडीगढ़ आन जान पिछों इलाका संभालन राजन उन्होंने छोटे भरा का बहुत बड़ा योगदान है, साढ़े बहुत धार्मिक रमन जी जड़े परमात्मा नाल पिछले कई वर्षों तो जमीनी स्तर तो जुड़े आ रहे हैं, और ट्रेना दे विच मैं देखता रहा कभी बालाजी महाराज के साला साहब कभी कितने जड़े लोग नहीं भी दर्शन कर पाते उ आप करा कर लिया उन्होंने सीटा बुक करानिया,
कई वरिया तो इस गल की सेवा भी करते आ रहे हैं। इस गल का भी बड़ा इन्हों का उपराला और इस गल परमात्मा ने इन्होंने शक्ति दी सी इन्होंने उपयोग किया और जिन्ह जिन्होंने भी दर्शन कराया उन्होंने शीसा इन्होंने अच्छ एम एल ए बनने के उन्होंने बहुत व्डा हाथ है। मैं इन्हों का भी बहुत धन्यवाद करता और मैं तीरथा परिवार को एक बार फिर बधाई देना। मैं इतने बुला के अच सारे इतने बुला के मान बख्शा और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तय दिल तो धन्यवाद है। जय भी जय माता जी जय श्री राम। सब का शुक्रिया और नाल सेहत इंडिया या लड़कियां मैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद एक बधाई देना जी क्लास उन्होंने पास की है टेंथ और प्लस टू और बच्चों को मैं दसदा कि अज सा लास्ट ग्रुप से लड़के बुला के उन्होंने मोटिवेशन कर बच्चों आ पूरे साढ़े तीन महीने बाद कहना मतलब एक जुलाई को साड़ा प्रोग्राम चालू होया लगातार अज 15 अक्टूबर और लगभग पूरे साढ़े तीन महीने लग बच्चों सानू ताे ग्रुप आने को पहले अभी लगभग 5360 लड़कियों बच्चों अपने ऑफिस बुला के 80-90 बच्चे के मोटिवेशन किया। मदन लाल पूरन देवी जैन ट्रस्ट की ओर से सरा रोड जंडियाला गुरु में मेडिकल सेंटर की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मेगा चिकित्सा शिविर कैंप का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्रस्ट के संचालक कुलवंत राय जैन ने बताया कि मेडिकल सेंटर की वर्षगांठ की खुशी में ये मेगा मेडिकल कैंप लगाया गया है जिसमें आंखों दिल शुगर मेडिसिन और हड्डियों के माहिर डॉक्टरों की टीम ने यहाँ पहुंचकर मरीजों की निःशुल्क जाँच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ भी दी। इस मौके पर सांसद जसबीर सिंह डिम्पा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस कैंप का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मदन लाल पूरन देवी जैन ट्रस्ट संस्था की ओर से कम दामों पर गरीब लोगों का अच्छा इलाज किया जा रहा है जो कि एक अच्छा कार्य है। इस मौके पर डॉक्टर मंगल सिंह किशनपुरी सुरेश कुमार जोगा सिंह सरपंच रशपाल सिंह रजनीश जैन गुलशन जैन रॉकी जैन भी मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। I live in India and my Minister of Health asked me in the Netherlands to build bridges between India and the Netherlands in the health domain. So we focus on very much on pharmaceuticals, on diseases that travel over the borders and on the future of health, digital care. ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਪੂਰਨ ਦੇਵੀ ਜੈਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੌਸਪੀਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲਾਜ ਅਨਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਐਵਮ ऑटोनोमस संस्था कन्या महाविद्यालय जालंधर द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी 2 दिवसीय दिवाली एक्स्ट्रा वेगेंजा एग्जीबिशन कम सेल सफलतापूर्वक संपन्न हुई। विरसा विहार जालंधर में आयोजित हुई इस प्रदर्शनी में विद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ फैशन डिजाइनिंग कॉस्मोटोलॉजी विभाग फाइन आर्ट्स विभाग पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग होम साइंस विभाग के साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के अंतर्गत कार्यशील टेक्सटाइल डिजाइन एंड अप्रैल टेक्नोलॉजी विभाग रिटेल मैनेजमेंट विभाग एवं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म विभाग की छात्राओं की रचनात्मकता को एक उत्तम मंच प्रदान किया गया जिसकी शहरवासियों के द्वारा भरपूर सराहना की गई। इस एग्जीबिशन कम सेल में छात्राओं द्वारा बनाई गई मिठाइयां एवं विभिन्न व्यंजनों के अलावा दिए ज्वेलरी गिफ्ट आइटम्स सूट साड़ियां जूट बैग्स टॉवल सेट सहित घरेलू सजावट का विभिन्न सामान प्रदर्शित करने के साथ साथ बेचा भी गया। इस अवसर पर प्रिंसिपल ने विभिन्न विभागों के एक संयुक्त प्रयास की सफलता के लिए सभी को मुबारकबाद दी। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। कन्या महाविद्यालय जालंधर द्वारा विरसा विहार में
15 और 16 अक्टूबर को दो दिन के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई है, दिवाली एक्स्ट्राविगेंजा। ये हमारा एक एनुअल एग्जिबिशन कम सेल है जो हम बिरसा विहार में इस दफ़ा लगा रहे हैं, और आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि ये जो बच्चों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने जो यहाँ पर एग्जिबिट किए हैं, उनको पूरे समाज ने बहुत ज़्यादा बहुत तहे दिल से स्वीकार किया है, और बहुत उनकी शॉपिंग करके बड़े खुशी महसूस कर रहे हैं। और हमने तो ये एक दिन की लगाई थी एग्जिबिशन, लेकिन पब्लिक डिमांड के पर इसको आज के लिए भी हमने एक्सटेंड किया है, और खूब सारे लोग यहाँ पर अपने एंथुजियाज्म से खरीदारी कर रहे हैं। फिरोजपुर के रामवाग वृद्ध आश्रम सेवा कमेटी की तरफ से 15वां आंखों का चेकअप और ऑपरेशन कैंप रामबाग के प्रांगण में लगाया गया। इस संबंधी रामबाग वृद्ध आश्रम सेवा कमेटी के प्रधान हरीश गोयल ने बताया कि आंखों का 15वां चेकअप कैंप लगाया गया है, जिसमें 400 के करीब लोगों ने अपनी आंखों का चेकअप करवाया है, जिसमें से 50 के करीब लोगों की आंखों के ऑपरेशन निशुल्क किए जाएंगे और उनको दवाइयां भी मुफ्त दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि आई केयर सेंटर चैतो में मरीजों के आंखों के ऑपरेशन निःशुल्क होंगे, जहां उनका खाना पीना, रहना और आने जाने का सारा खर्च कमेटी की तरफ से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामबाग में आंखों के चेकअप के लिए ओपीडी रोजाना लगाई जा रही है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। श्री रामबाग वृद्ध सेवा आश्रम कमेटी की ओर से ये 15वां कैंप आज लगाया जा रहा है, जिसमें कि पूरे फिरोजपुर ज़िले से लोग आए हैं, अपना चेकअप कराने आए हैं। इसमें चेकअप, दवाइयाँ, एनके सब फ्री दिया जाएगा। जिन मरीजों को चिट्टा मोतिये की प्रॉब्लम है, उनका ऑपरेशन भी लेंस डालकर फ्री में करवाया जाएगा। ये ऑपरेशन लॉयन आई केयर सेंटर जैतो में ले जाकर कराए जाएंगे। वहाँ पर रहने का, भोजन का और दवाइयों का बिल्कुल निशुल्क है, किसी तरह का किसी से कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा। अभी तक लगभग 300 के करीब ओपीडी हो गई है, 25 केस ऑपरेशन वाले निकले हैं। ध्यानु नवयुवक सभा की ओर से श्री देवी तालाब मंदिर रोड पर मां भगवती का विशाल जागरण बड़ी ही धूमधाम से करवाया गया, जिसमें भजन गायक परवीन लक्की एंड पार्टी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें सभा के सदस्यों की ओर से मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सभा के अध्यक्ष गुलशन शर्मा, सचिव राकेश जोली, एडवाइजर संदीप शर्मा, कमल मेहरा, राजेश भाटिया, कुलविंदर बिट्टा, उत्तम शर्मा, विक्रांत शर्मा, राजकुमार, अजय लाली, लंगर वालों सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। Thank you.
जय माता दी। तुहानू नौजवान सभा दे सारे मैंबरां दा, गुलशन जी प्रधान जी दा, सारिआं नूं विशाल जागरण दे, सारी कमेटी नूं, सारे बाड़ा वासियां नूं बहुत बहुत बधाई देना। लाली निराले जी, सारे साढ़े बाबा जी, होर भी बड़िया भैनां जिहड़े इस जागरण दी आनंद मानन लई आए ते नाल पार्टी दरमेन लक्की जी देवी तला मंदर दे बहुत सेवा करते हैं, भगवती माँ का बहुत आशीर्वाद है इन्होंने सिर पर, तिरपन माली माँ के दरबार की भी बड़ी सेवा करते हैं। महाराणी का आशीर्वाद है इन्होंने सिर पर और महाराणी इन्होंने सिर पर मेहर भरिया रखा और सारी कमेटी ने चढ़ती करना चाहिए और इन्होंने भगवती माँ शक्ति देवे। इस तरह महामाई के धार्मिक प्रोग्राम का आयोजन कर देंगे। जय माता। LIG वेलफेयर सोसाइटी की ओर से माँ भगवती का जागरण बड़ी ही धूमधाम से करवाया गया, जिसमें श्री सत्यनारायण मंदिर के पुजारी बनवारी प्रसाद शास्त्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए यजमानों से माँ की पावन ज्योत प्रज्वलित करवाकर इस जागरण का शुभारंभ किया, जिसमें शम्मी एंड पार्टी जालंधर वालों ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर प्रधान स्वरूप सिंह, सन्नी, रॉकी रॉय, शुभम, प्रिंस, अभय, विनोद मारवानी, विशाल, मनी, संजीव चोपड़ा, सोनू, कपिल दिवाकर, तरनजीत गौरव, सिमरनजीत सिंह सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। होवे चाहे प्रभात फेरी होवे चाहे गुरुपुरब होवे, ए सोसाइटी जदों दा मैं कौंसलर बनिया हर साल शायद करोना च नहीं मना पाए, बाकी हर साल एक मुठ हो के एक परिवार का रूप दे के ये दिखाते हैं कि साढ़े किदा की एकता और माता राणी इन्होंने सारे ही मैंबर से मेहर भरे हाथ रखे। DC मित्तल कंपनी के मालिक दीवान चंद मित्तल का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के किशनपुरा में स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय दीवान चंद मित्तल को मुखाग्नि उनके बेटे पुनीत मित्तल ने दी। इस मौके पर शहर की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय दीवान चंद मित्तल को नम आंखों से विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। पंजाब पुलिस की भर्ती को लेकर नाभा में दो जगहों पर बनाए गए थे सेंटर, दूरी अधिक होने के चलते कम संख्या में पहुंचे विद्यार्थी। सचखंड श्री दरबार साहिब में इजराइल के राजदूत परिवार सहित हुए नतमस्तक, सूचना केंद्र में किया गया सम्मानित। मेहंदी रत्ता परिवार की ओर से छात्रवृत्ति समारोह का किया गया आयोजन, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।